तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेक चैंपियन सपोर्ट यानी कि यूट्यूब वाले बाबा। अब इनको कोई यूट्यूब वाले बाबा नहीं कहता है, इन्होंने खुद ने अपना नाम जो अपनी तरफ से यूट्यूब वाले बाबा रख लिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे राज खोलने वाला हूँ, और जो भी उनकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, जिन लोगों ने उनको चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनको एक पार्ट और मैं बताने वाला हूँ जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा। आप लोग उनको बस इतने तक ही जानते होंगे जहाँ तक आप लोगों ने यूट्यूब पर उनकी वीडियो देखी होगी, लेकिन उसके अलावा मैं उनके चैनल के कुछ ऐसे राज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप लोग उनके सब्सक्राइबर हो या फिर सब्सक्राइबर नहीं हो लेकिन वीडियोस वगैरह देखते हो या फिर उनको जानते हो, तो भी सब ये वीडियो आप लोगों को जरूर से यहाँ पर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं कि भाई टेक चैंपियन सपोर्ट ये जो चैनल है, यूट्यूब की टिप्स वगैरह देता है और इसके ऊपर वीडियोस वगैरह आती है, और इस चैनल के ऊपर जो है बंदा है, तो ये जो यूट्यूब वाले बाबा यहाँ पर जो है कहलाते हैं। लेकिन आप सभी जनों को बता दूं, ये जो चैनल है यूट्यूब की टिप्स देता है, लेकिन इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियो वायरल हुई है उनके अंदर एक भी जो है यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वाली नहीं है। इस चैनल के ऊपर आप लोग देखोगे तो किसी ऐप का प्रमोशन वगैरह कर रखा है या फिर किसी ऐप से ये बता जा रहा है कि भाई पैसा कैसे कमावे, उस टाइप की वीडियो यहाँ पर वायरल हो रही है। इनकी पॉपुलर सेक्शन के अंदर आप लोग जाओगे वहां पर देखोगे तो आप लोगों को चीज पता चल जाएगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये है तो एक टेक चैनल, लेकिन भाई साहब इस चैनल के ऊपर व्लॉग चैनल वाली वीडियो यहाँ पर जो वायरल हो रही है, तो आप लोग सोच रहे होंगे एटलीस्ट चलो वायरल तो हो रही है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, अभी आप लोग यहाँ पर जो मैं चीज बता रहा हूँ वो एक बार सुन लो। तो इनके चैनल के ऊपर जो है टेक वाली वीडियो जहां पर वायरल होनी चाहिए, टेक का चैनल है तो टेक की वीडियो तो वायरल नहीं हो रही, वहां पर एक व्लॉग की वीडियो वायरल हो रही है, एक नहीं दो दो तीन तीन वीडियो वायरल हो रही है। इन्होंने एक सारस के ऊपर वीडियो बना रखी है तो वो वाली वायरल हो रही है। और बाकी मैं आप सब जनों को बता दूं, अब जो चैनल है ये टेक कैटेगरी का चैनल है, तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो वायरल होनी चाहिए वो टेक कैटेगरी की वीडियो यहाँ पर जो है वायरल होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल टेक कैटेगरी वीडियो वायरल नहीं है, आप लोग इनके पॉपुलर सेक्शन के अंदर यहाँ पर जाओगे तो। अब मैं इन वीडियोस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये टेक चैनल है, यूट्यूब की टिप्स वगैरह दी जाती है, तो इस चैनल के ऊपर पॉपुलर सेक्शन है उसके अंदर इस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो वायरल होनी चाहिए, उनके ऊपर ज्यादा व्यूज होने ही होने चाहिए। तो वैसे आप ये कैसे बाबा है खुद अपनी वीडियो को वायरल नहीं करवा पा रहे हैं लेकिन अपने व्यूअर्स के साथ में, अपने सब्सक्राइबर के साथ में और जो लोग इनकी वीडियो को देखते हैं उनके साथ में दिन भर इस बात का ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि पैसा वीडियो वायरल कैसे करें, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं या फिर यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर जो है व्यूज वगैरह कैसे लाए। टिप्स एंड टिप्स मैं ही शेयर करता हूं, मेरी वजह से लोगों के चैनल वगैरह चलते हैं, तो वैसे आप इस तरीके से, और साथ ही साथ में इतना बढ़ चढ़ करके नाम रख रखा है कि यूट्यूब वाले बाबा, यूट्यूब वाले बाबा, तो वो सारी जो फफूंद है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई खुद अपने चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे लेकिन लोगों को जोर से यहाँ पर टिप्स देंगे और लोगों को जोर से बताएंगे। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई इनके चैनल के ऊपर जो है थोड़े बहुत व्यूज आते हैं, जो ये YouTube टिप्स की वीडियोस वगैरह देते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो थोड़े बहुत व्यूज आने कहाँ से शुरू हुए। तो मैं आप सभी जनों को बता देता हूँ कि भाई साहब इन्होंने क्या करा, सबसे पहले अपने चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड करी, उसके बाद में इन्होंने कुछ कोलैबोरेशंस वगैरह करे, जैसे कि बड़े बड़े क्रिएटर का नाम लिया, इन्होंने मनोज डे का नाम लिया, मनोज डे से यहाँ पर थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन किया, और आप लोग देख सकते हैं कि इस चीज के बारे में ये जो मुद्दा है मैं नहीं उठा रहा हूँ, इससे पहले भी कई सारे यूट्यूबर ने उठाया हुआ। इन्होंने मनोज डे के खिलाफ दो तीन वीडियोस बनी, मनोज डे ने इनको रिप्ले करा और फिर जो है ऑडियंस सामने सामने ट्रांसफर हुई। फिर इन्होंने कहा टेक्निकल योगी के खिलाफ कि भाई ये जो लोग हैं इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते हैं, तो इन्होंने टेक्निकल योगी का भी नाम लिया, टेक्निकल योगी को मेंशन करा तो उन तक वीडियो पहुंची, फिर उन्होंने आपस रिप्ले देकर के एक वीडियो बनी तो कुछ ऑडियंस इनको वहां से मिल गई। तो ऐसे कर करके जो भी बड़े बड़े यहाँ पर यूट्यूबर थे इन्होंने एक एक करके सभी जनों को यहाँ पर टारगेट करा और इस तरीके से इन्होंने अपने चैनल के ऊपर थोड़ी थोड़ी ऑडियंस लेकर के आया। और इस टॉपिक के ऊपर से मैं ही बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जुगनू की जो टेक है उस बंदे ने भी बोला था कि इस बंदे ने यूट्यूब वाला बाबा बनता है, लेकिन ऐसी कोई चीज इसके अंदर है नहीं कि ये यूट्यूब वाला बाबा कहला है। हम अपनी तरफ से कोई नाम नहीं ले सकते, जनता हमारे को नाम देती है तो वो नाम हमारे को लगता है कि चलो ये जनता ने नाम दिया, लेकिन ऐसे हम थोड़ी यूट्यूब के बाबा बन जाते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से नाम वगैरह क्रिएट कर लिया। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई, जो इनके चैनल के ऊपर वीडियोस वगैरह हैं, हर वीडियो के अंदर आप लोग देखोगे कौन कौन सी वीडियो 30-30 मिनट तक जा रही है, 17-17 मिनट तक जा रही है, 15-15 मिनट तक जा रही है। नॉर्मल जो वीडियो होती है वो चली जाती है 7-8 या फिर 10-11-12, इससे मैक्सिमम ऊपर वीडियो नहीं जाती है, ये पूरे एपिसोड बना बना करके यूट्यूब के ऊपर डालते रहते हैं। तो वे सब इनके खुद के चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे हैं लेकिन दूसरों को यहाँ पर टिप्स जरूर देंगे, टिप्स जरूर शेयर करेंगे, ऐसे काम करना है वैसे काम करना है। और ये क्रिएटर क्या करते हैं,
वीडियोस इनकी जो जैसे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, इन चीजों के ऊपर इनके व्यूज नहीं आते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, भाई नई गाड़ी ले ली या फिर यूट्यूब से मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, ऐसी चीजें बताते हैं। उससे क्या होता है, ऑडियंस जागरूक हो जाती है और यार ये बंदा कितना पैसा कमा रहा है, उसको सब्सक्राइब करके लोग उसको देखने लग जाते हैं। एक चैनल के ऊपर जैसे कि मैं आपको टिप्स दूंगा, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं इन चीजों को बता करके आपसे कितना पैसा कमा रहा हूं, तो एक समय के बाद में आप भी थक जाओगे, आप भी बोर हो जाओगे। तो आपको एकदम समय समय के ऊपर मोटिवेट करना, समय समय को आपको कनेक्टेड रखने के लिए ये यूट्यूबर क्या करते हैं, ऐसे बताता कि मैंने यूट्यूब के पैसों से बस खरीद ली, मैंने यूट्यूब के पैसों से स्कूल खरीद लिया, मैं यूट्यूब से इतना अर्न कर रहा हूं, मैं यूट्यूब से उतना अर्न कर रहा हूं। और इस बंदे ने क्या करा, सोचा चलो सौरभ जोशी के साथ में भी कोलैब करते हैं, चलते हैं सौरभ जोशी के पास में, लेकिन सौरभ जोशी ने बिल्कुल भाव ही नहीं दिया, तो भाई साहब को आ गया गुस्सा, तो इन्होंने सोचा कोई बात नहीं अपन गुस्से से ही कंटेंट यहाँ पर बना लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, सौरभ जोशी के खिलाफ 10 से 15 वीडियो कंटिन्यू यहाँ पर डाली, हर वीडियो के अंदर बोला ये ऐसा है वैसा है। चलो यार किसी बंदे का मूड नहीं था, उसने बात नहीं करी थी, तो उस चीज को साइड के अंदर कर लो कि भाई तुम्हारे को बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ वापस वीडियो बनाई, वापस सारी चीजें करी, तो ऑडियंस अगर ने देखा, तो ऐसे कर करके इन्होंने क्या कि पूरा 360 डिग्री अपना पूरा सर्कल है उसके अंदर किसी भी बंदे को नहीं छोड़ा, इन्होंने खुद ने जो है अपनी कम्युनिटी के बंदों को ही नहीं छोड़ा, जो यूट्यूब के टिप्स देते हैं उन बंदों को ही नहीं छोड़ा। चलो बाहर के बंदों का तो सभी जने नाम लेती हैं, लेकिन इन्होंने तो अपनी कम्युनिटी का नाम ही बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो भाई साहब को जिस तरीके से टेक चैंपियन सपोर्ट, अगर आप लोग चैनल पर जाते हो, वीडियोस टिप्स वगैरह देखते हो, आप एक चीज मुझे कमेंट करके जोर से बताना कि इनकी वीडियो के अंदर जो टिप्स वगैरह बताई गई है, वो टिप्स आपने अपनी वीडियो के ऊपर फॉलो करी, अपने चैनल के ऊपर फॉलो करी, चाहे वो 6 महीने से फॉलो कर रहे हो, चाहे वो 1 साल से फॉलो करो, क्या आपके चैनल के ऊपर कुछ ग्रोथ हुई? तो आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यार ये जो यूट्यूबर है हमारे को वो टिप्स बताते ही नहीं है जिनसे चैनल ग्रो होता है, बस ये हमारे को यूज करते हैं, भाई ये बताते हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, या फिर मैं अपने चैनल पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा रहा हूं, ताकि लोगों को लगता है कि यार ये कैसे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, वो चीज हमारे को वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगी। लेकिन उस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ 2-3 टिप्स वगैरह दे देते हैं आपको, 10-12 मिनट की वीडियो बना लेते हैं और उसको वीडियो से थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, व्यूज कमा लेते हैं, बस वहां तक ही यहाँ पर होता है। कोई भी असली चीज आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताना चाहता है, और ये जो चीजें हैं मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर बता रहा हूँ, इन चीजों के ऊपर कोई भी यूट्यूबर बात नहीं करता है, क्योंकि सब यूट्यूबर की मिली भगत होती है, सबके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, सब आपस में बात करते हैं कि सब्सक्राइबर के साथ में किस तरह की टिप्स देनी है, जो रियल टिप्स है वो देनी है नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो भी कुछ कुछ समय के बाद में यहाँ पर चेंज होता रहता है। पहले क्या होता था कि किसी का टाइटल कॉपी कर लो, किसी का डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लो, किसी का टेक्स्ट कॉपी कर लो, तो आपकी वीडियो के ऊपर भी आप डालोगे तो फिर जिसके जितने ज्यादा व्यूज आए वो के वो व्यूज आप लोगों को भी मिल जाएंगे। लेकिन वो एक बार बना लिया, 2 बार बना लिया, 3 बार बना लिया, फिर बात धीरे धीरे कॉमन हो जाती है। तो यूट्यूब भी जो अपना एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको समय समय पर चेंज करता रहता है। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रिक चल रही है वो आप लोगों को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है कॉपी करना है, पेस्ट करना है। लेकिन जो भी लेटेस्ट ट्रिक चल रही है उसके अंदर क्या, हम सभी जनों को टाइटल बनाना पड़ता है थोड़ा सा क्लिकेबल, उसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हमारे को बहुत कम कीवर्ड लिखने, फिर जो टेक्स्ट का जो बटन होता है उसके अंदर हमारे को 500 पूरे कीवर्ड फुल भरने पड़ते हैं। अभी यूट्यूब का ये एसईओ चल रहा है, अगर आप लोग इस एसईओ को अपने चैनल के ऊपर डालते हो तो आप लोगों को ज्यादा व्यूज मिलेंगे। अब आप मुझे बड़े क्रिएटर का नाम बता दो, क्या मनोज ने आपको ये ट्रिक बताई है? नहीं बताई। क्या टेक चैंपियन सपोर्ट ने आपको ट्रिक बताई है? नहीं बताई है। टेक्निकल योगी ने बताई है? कभी नहीं बताई। भाई जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं इनके खुद के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें ठान करके रखते हैं कि भाई क्या चीजें हमारे को बतानी है, क्या लोगों के साथ में शेयर करना है, क्या नहीं करना है। क्यों बीच में एकदम एल गुरु चैनल का यहाँ पर नाम उठा था और चैनल बीच में क्यों रुक गया? क्योंकि ये ऐसे यूट्यूबर चाहते नहीं कि बीच में से कोई ऐसा बंदा उठ करके आगे निकले जो सारी सच्चाई व्यूअर के तक पहुंचा देवे। क्यों? क्योंकि एक बार लोगों को हम पूरी ट्रिक बता देंगे तो फिर वो दोबारा चैनल के ऊपर आएंगे? नहीं आएंगे। एक बार उन्होंने अपने चैनल के ऊपर जो ट्रिक हम बताएंगे वो उन्होंने लगा दी और खूब सारे व्यूज वगैरह कमा लिए, तो फिर वो उस ट्रिक को बार बार अपनी वीडियो में लगाते रहेंगे और व्यूज कमाते रहेंगे। जब तक उनके चैनल के ऊपर व्यूज कम नहीं पड़ेंगे तब तक वो हम जैसे क्रिएटर के चैनल के ऊपर नहीं आएंगे। तो ये क्रिएटर जो है उन लोगों को बिल्कुल कम टिप्स देते हैं, यानी कि जो 100% उसमें से 10% ही आप लोगों को वीडियोस के अंदर देंगे, किसी भी एक वीडियो के अंदर पूरा 100% यहाँ पर नहीं देंगे। तो आप लोग ऐसे क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो जिसके खुद के चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे हैं, उनकी पॉपुलर वीडियो आप लोग देखोगे तो कुछ ब्लॉग चैनल की है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली दे रहे कि जिससे पैसा कैसे कमाए, ऐसे ऐप वाली, या फिर यूट्यूब से उन्होंने पैसा अर्न करा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो है। हम सभी जनों को ऐसे चैनल को फॉलो करना चाहिए, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ऐसे क्रिएटर को फॉलो करना चाहिए जो खुद अपने चैनल के ऊपर ऐसी टिप्स बताएं और उसने खुद ने वाकई में ग्रो करा हो, और उसके चैनल के और देखने के बाद में हम अपने चैनल को ग्रो कर पाए, तब हमारे को लगता है कि हाँ इसके चैनल देख करके मैंने अपना चैनल ग्रो करा है, इसने जो टिप्स बताई उन्हें लगे और मेरी वीडियो वायरल हुई, तब जाकर के उस क्रिएटर को फॉलो सब्सक्राइब करने की हमारी इच्छा यहाँ पर होती है।
तो आप लोगों में बताऊंगा भाई ऐसे क्रिएटर से तो सावधान ही रहना। बाकी आप लोगों यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए तो भाई साहब मैंने एक से बढ़कर एक मस्त वाली वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रखी जिन्हें के ऊपर उनको देखो समझो। को समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को कमेंट के अंदर रिप्लाई देता रहता हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो चलो यही थी वीडियो, कैसी लगी है और मैंने जो चीज बताई है उस चीज के बारे में मुझे कमेंट के अंदर रिप्लाई जोड़ देना कि टेक चैंपियन सपोर्ट चैनल का देखने के बाद में क्या आपके चैनल बाकी में ग्रो हुआ है या फिर नहीं हुआ। कमेंट के अंदर जो है आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ, या फिर टेक चैंपियन सपोर्ट जो बड़े क्रिएटर जो बताते हैं वो सही बताते हैं या फिर नहीं बताते हैं। कमेंट के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कितने कमेंट इस वीडियो के ऊपर पॉजिटिव आते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।